हम फास्ट समाचार पे आपको दिखाएंगे शहर के वार्ड क्रमांक 4 के हालात, जहां सरकारी स्कूल के पास गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। ना ही नालियां बनी हुई हैं। यहां के एक रहवासी ने बताया कि एक टूटी पड़ी नाली में गिरने से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। कई बार पार्षद से शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं शिवपुरी क्षेत्र के न्यू ब्लॉक जल मंदिर कॉलोनी में, जो कि वार्ड क्रमांक 4 है। यहाँ पर जो स्थायी लोग हैं उनके द्वारा पता चला कि यहाँ के जो पहले वार्ड पार्षद थे उनके द्वारा कोई भी कार्य प्रॉपर तरीके से या पूर्णता तरीके से नहीं किए गए, जैसे कि सड़क का कार्य हो या यहाँ पर नाले या नाली बनवाने वाले कार्य हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के साफ सफाई को देखा जाए तो यहाँ पर वो भी हमें ठीक से देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड की या फिर यहाँ की नालियों की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि उनको क्या क्या समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाम है आपका? हृदयेश नाम है मैडम मेरा। जैसे कि वार्ड क्रमांक 4 में देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है या नालियों की व्यवस्था भी ऐसी ही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन दुर्घटना होती रहती है, गाड़ियाँ फंसती रहती हैं, बच्चे गिरते रहते हैं। यहाँ देखिए जी, इधर सरकारी स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है, नाली कितनी भरी हुई हैं, मच्छर होते हैं, कोई सफाई का ध्यान नहीं देते, इधर सुअर बैठे रहते हैं दिन रात। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर कभी आपने पार्षद से बात करी है? कई बार कह दी, रोड की भी बता दी, पानी की भी समस्या थी सब। वो तो इस 5 साल में उनने कोई काम नहीं कराया ना कुछ, आए वो देखने भी नहीं आते जी। मान लो आप तो आगे इन सारी चीज़ों को लेकर के आपका क्या कहना है कि अब आगे चुनाव भी होने वाले हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या मुद्दे आप अपने रखेंगे जिनको लेकर के आगे के जो चुनाव होंगे? जो हमारे कॉलोनी के लिए व्यवस्था सही करेगा वो हमारे लिए आगे रहेगा, नहीं तो इस बार तो हम वोट से नोट ही दबाएंगे। सड़क या नाली के अलावा यहाँ पर और क्या परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही है? परेशानी क्या मैडम, ज़्यादातर बरसात का पानी भर जाता है इधर, कई बार ना दिक्कत आती है, नाली में निकास नहीं हो पाता, गटर ओवरफ्लो हो जाती हैं, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है इधर इस क्षेत्र में। तो इस लाइन में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये अंकल हैंगे अभी जे गिर गए यहीं आते समय, इनकी चोट लग गई। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये अंकल हैं जो कि रोड खराब होने की वजह से पैर स्लिप होने के कारण ये गिर गए थे और इनका पैर फ्रैक्चर है, तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुशवाहा। आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है, ये किस कारण से हुआ है? रास्ते में जा रहा था, नाली से हो गया, गड्ढे थे। तो आपकी कॉलोनी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? भाई साहब ने बताया था वही सारी समस्याएं सभी क्रम सभी लोगों की है। जैसे कि सड़क प्रॉपर नहीं है या नालियां प्रॉपर नहीं है, मेन चीज़ें सड़क की और नाली की। पानी तो क्या पर्याप्त आता ही है, पर्याप्त मात्रा में आता है पानी। तो मेन जो दिक्कत आ रही है वो सड़क की आ रही है कि यहाँ पे सड़क बनने को लेकर के कोई भी सुनवाई आप लोगों की नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों को लेकर के कभी पार्षद से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? एक बार हो गई है बात। तो पार्षद का क्या कहना है फिर इस चीज़ को लेकर के? दो एक बार रिपेयरिंग कराई थी, जैसे कि जैसी नाली है पहले से ज़्यादा खराब हो गई। सुनील कालरा। जैसे कि वार्ड क्रमांक 4 आपकी कॉलोनी में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये है कि इसका मेंटेनेंस सही किया जाए। एक्चुअली निकलने वाले बच्चों को सभी को प्रॉब्लम आती है, जैसे ये नाला क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से करा जाए। इधर की रोड बिल्कुल सही ढंग की नहीं है और कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम था, थोड़ा कुछ अब जाके ठीक हुआ है। बाकी ये सड़कों का थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों को निकलने में सभी को, बड़े बुजुर्ग एजिट सभी को ही प्रॉब्लम आती है। पार्षद से कभी इन मुद्दों को लेकर के आपने बात की है? हाँ, कई बार सब लोगों ने मिलके करा, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तो यही कहना है कि इस चीज़ को सुना जाए। आगे आने वाले चुनाव में जैसे कि अभी पूर्व पार्षद जो भी रहे हैं या रही हैं, तो उनके द्वारा जो काम नहीं किए गए, अब आगे चुनाव फिर से आने वाले हैं, तो इन किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करेंगे या किन चीज़ों को लेकर के अपनी बातों को सामने रखेंगे? इस मुद्दों को लेकर करेंगे कि पूरी सुनवाई की जाए, इस पर गौर करा जाए, इस चीज़ को इग्नोर ना किया जाए। बस यही कहना है कि सही ढंग से जो भी है इस चीज़ की व्यवस्था को देखे, मेंटेनेंस को संभाले, बस यही कहना है मेरा। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहाँ पर सड़क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सड़क जो है वो अभी तक
ठीक नहीं करवाई गई है या जो भी टाइम था उस टाइमिंग को लेकर के यहाँ पास में स्कूल है, स्कूल के पास में जो नाली है उनकी भी सफाई नहीं होती है। सड़क खराब होने की वजह से कई ऐसे दुर्घटना हो रही है, जैसे कि किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया या बच्चे खेलते हैं उस टाइम वो गिर जाते हैं। चुनावी मुद्दों को लेकर भी यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जब ये सारे मुद्दों पर जो भी पार्षद, आने वाले पार्षद हैं, वो खरे उतरेंगे तभी हम उनको वोट देंगे। मैं फास्ट समाचार से सुरभि शर्मा आपके साथ।